ठीक है जी, शुरू करते हैं डिस्कशन। बताओ एक्सरसाइज जीरो में एनर्जी में डाउट? पार्ट सी में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 4, 5, 6 10 तक कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है, बढ़िया। आसान थी क्या? यकीनी कुछ था ही नहीं सर, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड ही था सारा कुछ। आसान थी मतलब, कर तो ली ना? यस सर, यस सर। ठीक है, ओके। एक्सरसाइज वन में क्वेश्चन नंबर 5 तक एनीथिंग इन एक्सरसाइज वन? सो 10th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th। हाँ भाई, क्या पूछ रहा है नितेश, बता। सर मतलब कि ये डी जैसा क्यों नहीं बन सकता ग्राफ, या फिर हम कॉस या साइन के ग्राफ डी जैसे क्यों नहीं बनाते? अरे वाह 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 वाह, अरे रे 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 रे, यू मीन स्ट्रेट लाइंस? यस सर। अरे नितेश, तू तो फंस गया आज मेरे चंगुल में। Y is equal to, अगर मुझे साइन ग्राफ बनाना है ना, यू आर सेइंग कि कॉस और साइन के ग्राफ हम डी जैसे मतलब स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं बनाते? Y is equal to sin of omega t या sin theta, है ना? तो मतलब ग्राफ ऐसा होना चाहिए, राइट? ऐसा कुछ यू आर सेइंग कि ऐसा क्यों नहीं है, है ना? गोल जा, ऐसा क्यों, पहाड़ से जैसा क्यों, है ना? कौन बताएगा? चलो who wants to try? क्वेश्चन तो समझ गए नितिश का? ग्राफ के कॉन्सेप्ट से इसमें साइन कॉस का कुछ नहीं है, मतलब इतना बताओ बस, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि इसका ग्राफ ऐसा क्यों है, बस मुझे ग्राफ के कॉन्सेप्ट से बता दो। जो हमने मोशन इन वन डी में किया था उस कॉन्सेप्ट से बता दो। काउंटर, चलो गुनवीन बताओ। फंस गई गुनवीन, कह रही है मैं फंस गई सर। हाँ जी, कांस्टेंट कारण हो नहीं ना सकता ये ग्राफ। कांस्टेंट क्या कारण? कांस्टेंट क्या, दोबारा बोलना सर। वो जो स्लोप है हाँ, तो वो हर जगह पर ऐसे नहीं ना होगी कैसे सर, जो आपने स्ट्रेट लाइन बनाई है। स्ट्रेट लाइन में स्लोप क्या होती है? मतलब सर ये वाली होगी नहीं, ये स्लोप जो आपने बनाई है। हाँ होगी, नहीं वो तो मुझे भी पता नहीं होगी, लेकिन कैसे मतलब तुम्हारी भावना कैसे समझूं मैं, समझाओ थोड़ा सा। सर 2 मिनट दे सकते हो, मैं करने की कोशिश। वैसे तुम सही जा रही थी, तुमने सही बोला था। चलो टेक योर टाइम, इतने किसी और को पकड़ा बनाते हैं। अरे अरे अरे, कौन बनेगा, कौन 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 को खुद बनना चाहता है? चल पूरा से पूछते हैं आज, पूरा चल भाई अनम्यूट कर और बता। पूरब, अरे फालतू में क्यों अपने आप को क्लास से निकलवाएगा है? अच्छा लगता बताओ? है एक सेकेंड, चलो बताओ, पूरब को फिर कभी पकड़ते हैं, बोलो। सर वो हर जगह हर पॉइंट पे कांस्टेंट नहीं ना होगी, तो उस कारण स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी। ओके, स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट स्लोप होती है? यस सर, मतलब जो भी आपने बनाई है वो नहीं बनेगी, क्योंकि हर पॉइंट पे अलग आएगी जो डिस्टेंस। और वो कैसे पता लगा हमें कि हर पॉइंट पे अलग स्लोप आएगी? सर साइन ओमेगा टी अलग अलग होगा ना हर जगह पर। साइन ओमेगा टी तो फंक्शन है, मतलब वो तो यहाँ पे भी अलग अलग है, साइन ओमेगा टी तो अलग अलग है।
तुम ऑलमोस्ट मतलब तुमने ना यू समझ लो दिल्ली बॉर्डर पहुंच गई, तुम दिल्ली एंटर करना तुमने। सर टाइम के रिस्पेक्ट में अलग अलग हो जाएगा। क्या अलग अलग हो जाएगा ये तो बताओ। ओमेगा टी सर यही है कि ओमेगा टी अलग अलग होगा हर पॉइंट पे, तो स्लोप कांस्टेंट नहीं आएगी। पूरब तुमने अभी तक अनम्यूट नहीं किया। अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू रिमूव यू, नॉट बी एबल टू ज्वाइन अगेन। रिमूव कर रहा हूँ तुम्हारे, इनफ टाइम दे दिया मैंने तुम्हें अनम्यूट करने का। रिमूव्ड। चलो पूरब तो गया, अब कौन बताएगा। ओके आस्था यू वांट टू ट्राई। अनम्यूट होना जरूरी है जिसको पूछ लिया, आता ना हो वो बात चलेगा। हाँ जी बोलो आस्था, यू वांट टू ट्राई दिस, बता सकती है इसको? मैं ये सोच रही थी कि जो ओमेगा टी है वो पहले मल्टीप्लाई होंगे जैसे, किसके तो साथ फिर मल्टीप्लाई होंगे? आपस में ही ओमेगा इनटू टी, अच्छा। तो फिर उनका मतलब फंक्शन होगा, फिर वो वाई के साथ मतलब प्रोपोर्शनलिटी देखेंगे उसकी, तो उससे कुछ डिफरेंस आ जाएगा। तुम तो खतरनाक लेवल पे ले गई। नहीं सर ये हम ग्राफ किस किस के बीच में बना रहे हैं? लो मैंने और सिंपल कर दिया इसको, वाई और थीटा के बीच में। सुनो सर क्योंकि सर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रह सकती, इसलिए शायद वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। कैसे पता लगा हमें कि स्लोप कांस्टेंट नहीं रह सकती, वो पूछ रहा हूँ मैं। मुद्दा इतना से रह गया, बाकी तुमने बता दिया गुनवीन एक्चुअली। सर ओमेगा कांस्टेंट होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कांस्टेंट नहीं होते, वो इंक्रीज डिक्रीज मतलब पॉजिटिव नेगेटिव होते रहते होंगे। हाँ नहीं वो एक्चुअली नहीं, इसलिए मैंने बोला यहाँ पे ट्रिग्नो की जरूरत नहीं है, तुम्हें एक्चुअली जरूरत है ग्राफ के कॉन्सेप्ट की। नितेश यू वर सेइंग समथिंग। सर मैं ये कह रहा था जैसे इक्वल अमाउंट से वो इंक्रीज नहीं होते, साइन जीरो की वैल्यू साइन 30 फिर साइन 45 वो इक्वल अमाउंट से इंक्रीज नहीं होते, तो वो कांस्टेंट नहीं होंगे। नहीं देखो इसकी डिफरेंशिएशन क्या होती है, इसकी डिफरेंशिएशन हमें स्लोप कैसे पता लगती है? सर कॉस थीटा हो जाएगी ना इसकी डिफरेंशिएशन। यस यस वाई इज इक्वल टू मतलब dy by dx is dy by d theta is equal to cos theta हो जाएगी। यस सर राइट। अब cos theta हो गई, अब cos theta इसकी स्लोप है, क्या cos theta हमेशा कांस्टेंट है? नो सर। नो सर cos theta क्या theta पे डिपेंड कर रहा है या नहीं कर रहा? कर रहा है। कर रहा है तो मतलब इसकी स्लोप जो है वो theta पे डिपेंड करेगी कि नहीं करेगी? करेगी। मतलब स्लोप इसकी कांस्टेंट रह सकती है या नहीं रह सकती? नहीं रह सकती। और स्ट्रेट लाइन की स्लोप क्या होती है? कांस्टेंट। ये तो मतलब हो ही नहीं सकता। यस ठीक है ना, तो इसमें हमने ट्रिग्नो को कुछ नहीं यूज किया, सिर्फ ग्राफ का एक कंसेप्ट है भाई। स्लोप तुमने ऑलमोस्ट बता दिया था गुनवीन, तुम बस इतना बोल रही थी कि स्लोप कांस्टेंट नहीं रह सकती। अरे कैसे पता लगा हमें कांस्टेंट नहीं रह सकती? क्योंकि उसकी स्लोप कॉस थीटा है और कॉस थीटा कांस्टेंट नहीं होता। ओके ठीक है। यस सर राइट। चलो तो ये तो हो गया, और कुछ? नो सर। एनी डाउट एनीथिंग एल्स? सर एक डाउट है। बोलो सर, जो वही वाला क्वेश्चन था ना 10th, वो ओपन करना। सर जैसे 10th का आंसर बी है, तो सर उसमें जो ग्राफ जा रहा है वो अंदर से होके जा रहा है, मतलब जैसे आप समझ लो 11th के ए पार्ट की तरह क्यों नहीं बन रहा, मतलब अंदर से होके जा रहा है, मतलब
मतलब 11th के ए पार्ट की तरह क्यों नहीं बन रहा बस? अरे वो ऊपर नीचे आ रहा है ना, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है क्या आस्था? वो तो ठीक है, नहीं मतलब आप सर देखो शेप में फर्क नहीं आ रहा दोनों में। शेप में फर्क कहाँ आ रहा है? आ तो रहा है मुझे तो दिख नहीं रहा सर, आप बिट का भी एस शेप जा रही है ना उसमें 10th में, और इसमें सीधा एलिप्टिकल शेप है, उसमें एस थोड़ा सा अंदर को होके फिर बाहर जा रहा है 10th में। अरे इसमें भी ऐसी ही शेप है, ऐसी इसमें भी ऐसी ही शेप है सर, आप समझ नहीं रहे। समझाओ फिर। सर देखो सर, जो 11th का ए पार्ट है उसमें सी बन रही है। 11th का ए पार्ट? हाँ जी सर। 11th का? अच्छा हाँ। अच्छा 11th के क्वेश्चन, तुम 11th पूछ रहे हो 10th पूछ रही हो? दोनों पूछ रही हूँ, मतलब जो 10th का बी पार्ट है वो 11th के ए पार्ट की तरह क्यों नहीं हो सकता? अच्छा 11th का ए पार्ट, मैं 10th का ही ए पार्ट कंपेयर कर रहा हूँ उसके साथ। नहीं नहीं अच्छा 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 बी, अच्छा ये वाला 10th का बी पार्ट और 11th का ए पार्ट, ये वाला? यस सर। अच्छा तो हाँ बिल्कुल, ये तो अलग है। इनफैक्ट इनफैक्ट ये जो 11th का ए पार्ट है ना, ये गलत है, इसका ग्राफ भी ऐसे ही बनेगा। या 10th का बी पार्ट का रहता है? नहीं नहीं ऐसा बनेगा, दिस इज द करेक्ट ग्राफ। ठीक है सर। ठीक है, यहाँ पे भी ग्राफ ऐसा ही बनेगा। ओके सर। राइट हाँ जी सर। एक्चुअली ना मैं तुम लोगों को एक छोटा सा रीजन बता दूं इसका, छोटा सा रीजन ये है कि भाई यहाँ पे इस पॉइंट की अगर हम बात करेंगे, इस पॉइंट पे दो स्लोप्स हैं, एक ये स्लोप है एक ये स्लोप है, एक ही पॉइंट पे दो स्लोप्स पॉसिबल नहीं है ना। हाँ जी सर। एक्चुअली ये ग्राफ ही गलत है, ऐसा बनता होता है ग्राफ, ठीक है, बट हमारे पास एक्चुअली 11th में कोई ऑप्शन ही नहीं है और जिसमें हम काइनेटिक एनर्जी को, है ना, इसमें दोनों में नेगेटिव जा रही जो कि गलत है, इसमें कॉन्स्टेंट रह रही है वो भी गलत है, इसलिए बेस्ट ऑप्शन मान के हम ए आएगा। अदरवाइज ग्राफ अगर ए, इस ये वाला ग्राफ ए वाला और इसका 10th वाला बी, अगर ये दोनों ऑप्शन में होते ये और ये, तो आंसर ये आता। ओके सर। ठीक है आगे सर समझ। ठीक है गुड, नाइस ऑब्जर्वेशन। एनीथिंग एल्स सर? हाँ जी बोलो सर। वो जो स्लोप वाला था वो क्वेश्चन कौन सा था? मार्क दी रॉन्ग स्टेटमेंट, ऑल एस एच एम हैव, ऑल एस एच एम्स हैव फिक्स्ड टाइम पीरियड, नहीं गलत है तो ये ठीक है। नहीं अच्छा एक एस एच एम का, हाँ फिक्स्ड टाइम पीरियड होता है, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। ऑलमोस्ट ये पहली बार में गलती लगती है, पहली बार में, हाँ एक्चुअली सारे एस एच एम्स आपस में कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, एक एस एच एम को बात कर रहा है, ठीक है। तो दूसरा है ऑल मोशंस हैव, कौन सा पार्ट पूछना है इसमें से? अच्छा डी पार्ट, फेस कांस्टेंट ऑफ एसएसएम डिपेंड्स ऑन द इनिशियल कंडीशंस। हाँ फेस कांस्टेंट मतलब वो एक्चुअली इनिशियल फेस की बात कर रहा है, फेस कांस्टेंट। ओके सर। जो हम फाई लिखते हैं ना ब्रैकेट में ओमेगा टी प्लस फाई, उसकी बात हो रही है। यस सर। ठीक है। एनीथिंग एल्स सर? मतलब जो हम ये सारे फॉर्मूलाज करते हैं काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी के लिए, इस पे मतलब अगर हमें कुछ इनिशियल फेज हो तो फिर मतलब हम निकाल तो नहीं सकते उनमें से किसी से भी? निकाल सकते हैं लेकिन उसमें ज्यादा मैथ्स लगेगा, उतनी जरूरत नहीं है तुम लोगों के लेवल पे। ओके सर। ठीक है, उतना नॉन मेडिकल में ज्यादा मेडिकल में जरूरत नहीं पड़ती उतना, जो एडवांस लेवल पे जाते हैं। ठीक है डन हो गया, अब चमकी चीजें? यस सर। ठीक है बढ़िया, डाउट्स खत्म, बढ़े आगे? यस यस ओके।